सत श्रीकाल भैन जी। सत श्रीकाल जी। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक जी, तुसी दसो? मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। सब तो पहले तो तुसी मैनूं दसो कि सीतल रोटी नूं ठंडी रोटी भी कहा जांदा है? हाँ जी। क्यों कहा जांदा है? ठंडी रोटी इस करके कहिंदे जिहड़ा पुदीना है ये गर्मियां दी सुगात है, ठंडा हुंदा पुदीना ये, इस करके जदों असीं इहनूं रोटी दे विच लाउणे आ ते इह ठंडी रोटी बन जांदी है। ठीक है जी। जी ये साडे पाचन शक्ति नूं वधाउंदी है, ठंड महसूस होंगी सानू रोटी खा के अंदर। ते हुण फिर तुसीं मैनूं दस्सो पिया समान की पैंदा है? समान इहदे विच पैंदा भैन जी आटा है, बेसन है, घिओ है, अजवैन है, धनिया है, लूण मिर्च मसाला है। इहनूं हुण आपां आटे नूं गुन्न के तुहानूं मैं दिखाई दिंदी है गुन्न के सारा। आ देखो जे मान लो भी किलो आटा है अपना तो उहदे विच आपां पाइया बेसन पा लेना। अच्छा जी। इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लेना, रला लेना इहनूं चंगी तरह। बाद विच इहनूं पानी दे नाल गुन लेना आटे नूं। ते जिहड़े लूण मसाले वगैरह ने इहदी आटे दे विच पा के गुन्नने ने? नहीं जी नहीं, ये आपां जदों आपां पुदीने नूं रगड़ांगे ना कुंडे दे विच उदों पावांगे। गर्मियां दे विच ते शीतल रोटी चलदी होगी? हाँ जी, शीतल रोटी दही नाल मक्खन। अच्छा जी। ये तां गर्मी दी सुगात है एक। हाँ जी। ते फिर तुसीं ते फिर घर च ही बना के खांदे? हाँ जी हाँ जी, असीं तां हर रोज़ यही बना के खाने आ, पुदीना साडे आपदे घरे लग्गिया होया ते यही बना के खाई दी है। आ लो भैन जी अपना आटा तैयार हो गया है ना। ठीक है जी। हुण दसो इस तो बाद की करना है? हुण इस तो बाद आपां इहदी पुदीने नूं रगड़दे आ, कुट्टदे आ, मतलब कि आ कुंडे दे विच। सब तो पहलां आपां अजवैन नूं पा के धनिए नूं पा के इहनूं पीस लांगे। हुण आपां अपनी जरूरत के मुताबक नून मिर्च मसाला जिन्ना भी आपां नूं जरूरत है उन्ना पा लांगे। हुण आपां पुदीना पावांगे इहदे विच। पुदीने की रोटी तो अलावा इसकी चटनी भी बन जाती है। लो भैन जी चटनी तैयार हो गई अपनी। अच्छा जी। हाँ, इनू भी चटनी बोल देंगे। ठीक है ना। हुण तुहानू मैं रोटी बना के दिखाउणी है। ये रेटू नू बनाउण दे लई थोड़ा पेड़ा भारा रखना। अच्छा जी। छोटा नहीं पेड़ा करना क्योंकि फिर पुदीना विचों निकलण दा डर रहिंदा है। ते इनू चंगी तरह चोपड़ के ना घिओ दे नाल। अच्छा जी। थोड़ा जा घिओ दे विच भी लगा देना रोटी दे। जो तवा चंगी तरह गर्म हो गया उन्होंने घ्यो दे नाल चोपड़ के फिर उन्होंने उपर पा दे। तुसीं मैनूं दस्सो जी तुहाडे शौक की ने? शौक भैन जी मेरे सिलाई कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, किताबां पढ़नियां। अच्छा जी। पेंटिंग करन दा भी शौक है तुहानूं? ते की पेंट करदे हो तुसीं? पेंट मैं सूट वगैरह, बैडशीट वगैरह, पिल्लो वगैरह, सराणे वगैरह, चादरां जिहड़ियां आपां विछाउने मंजां ते इह पेंट कर लैनी आ। हाँ जी हाँ जी। आ सूट मेरा अपना ही पेंट किया होया है। हाँ जी। आ तो बहुत ही वधिया है। हाँ जी। घ्यो लगा के भी राड़ना ने नूं तवे दे उत्ते? हाँ जी, थोड़ा जिहा राड़ लो घ्यो ला के भी ते बाद विच इहनूं थल्ले ला लेना भी ज़्यादा साड़नी नहीं रोटी इह। हाँ जी। दोस्तों गर्मियां दे इस खास खाने यानी कि शीतल रोटी नूं बनाउण दा तरीका तुसीं नाल-नाल जरूर नोट करी जाओ तां कि इहनूं तुसीं घर बना के इसदा लाहा लै सको। अच्छा भैन जी हुण होर किन्नी कु देर है? आ लो भैन जी रोटी तैयार है। आ लो दही ते मैं तुहानूं हुण रोटी खवा के भेजांगी। ठीक है जी। नाले इहदा स्वाद देखो। बिल्कुल जी। दोस्तों हर वार दी तरह स्वाद वेखण तो पहले तुसीं सारे एक वारी फेर नोट करो इस नूं बनाउण दा तरीका। वाह भी दोस्तों, वाकई इन्नी वधिया रोटी बनी है, ठंड भी पै गई तो स्वाद भी आ गया। यकीन मानो जे तुसीं भी इहदा स्वाद वेखना चाहुंदे हो तो घर बना के जरूर खाओ। भैन जी बहुत ही वधिया रोटी बनी है, धन्नवाद।